नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें, अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं, अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें, कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी के बाद सीएम योगी का चाबुक अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी की अवैध सल्तनत पर चल के आज यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में आवास विकास परिषद के अफसरों ने 32 करोड़ से भी अधिक कीमत की अवंतिका नगर पार्ट 2 योजना की कीमती भूमि को भाजपा के पूर्व विधायक के कब्जे से मुक्त करा दिया। हालांकि पूर्व विधायक के परिवार का आरोप है कि भूमि को कब्जा मुक्त कराने से पहले ना तो उनको नोटिस दिया गया और ना ही मुआवजे की रकम। यह तस्वीर है भाजपा के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के कब्जे वाली जमीन की, जहां पर योगी का पीला पंजा बिना पक्षपात चलता देख रहे हैं। दरअसल आज आवास विकास परिषद की मेरठ मंडल की टीम भाजपा के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के कोल्ड स्टोर पर पहुंची। यहां टीम ने कोल्ड स्टोर के रकबे को अवैध बताते हुए चार दीवारी को तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में पूर्व विधायक के परिवार ने कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन पीले पंजे के सामने परिवार की एक न चली और पीला पंजा तब तक चलता रहा जब तक करोड़ों की भूमि पर बने अवैध निर्माण को खुर्द-बुर्द न किया गया हो। आवास विकास परिषद के XCN MB कौशिक के मुताबिक 6,440 मीटर आवास विकास परिषद की अवंतिका नगर पार्ट 2 की कीमती जमीन को भाजपा के पूर्व विधायक और उनके परिवार ने न सिर्फ अवैध रूप से कब्जाया हुआ था, बल्कि जमीन को गोदाम और पार्किंग के रूप में किराए पर भी दिया गया था। इस जमीन का अधिग्रहण आवास विकास परिषद ने 1983 में किसानों से किया था। वर्ष 2002 में यह जमीन आवास विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, बावजूद इसके पूर्व विधायक ने जमीन पर कब्जा बनाए रखा, जिसको आज ध्वस्त करा दिया गया। वहीं पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के भाई और भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंभू सिंह लोधी का कहना है कि ना तो उनको आवास विकास परिषद की तरफ से कोई ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया और ना ही उनको जमीन की कीमत ही मिली। ऐसे में वहां नाइंसाफी की आवाज सरकार में उठाएंगे। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सर आपका क्या नाम है और किस पद पर तैनात है? मेरा नाम MB कौशिक है, मुकेश बाबू कौशिक। मैं एक्शन आवास विकास हूँ, सचिव बनता हूँ। अगर सर आज पुलिस चौकी के पास में भाजपा के पूर्व विधायक उनके कब्जे को हटाया जा रहा है, कितनी जमीन है और उसकी कीमत लगभग कितनी है? सर ये जो है सन 1982 में हमारी धारा 28 हो गई थी पूरी योजना की, आवास विकास अवंतिका नगर कॉलोनी है ये, इसकी स्कीम नंबर 1 है, योजना संख्या 1 बुलंदशहर की, DM कॉलोनी रोड पे। और 1983 में इसकी धारा 32 हो गई थी, मतलब कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 2002 में ऐसे लोगों को पैसा हमने सरकार ने जमा कर दिया तो 2002 में हमें कब्जा मिल गया आवास विकास को, इसका सन 2002 में। लेकिन उसके बावजूद इनकी 1130 मीटर जगह छूटी हुई थी, उन्होंने 7,500 स्क्वायर मीटर पे कब्जा कर रखा था अवैध, 6,440 स्क्वायर मीटर हमारी ज़मीन पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। इनको कई बार हमने नोटिस दी, ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए, उसके बाद इन्होंने गैरकानूनी कब्जा बनाने के लिए लोअर कोर्ट में भी एक केस कर रखा है, जिसका कि कोई महत्व नहीं है। मैं हमारे जो परिषद के अधिवक्ता हैं श्री विजयन चौहान जी, उन्होंने बताया ये एक मिनट, श्री विजयन चौहान जी ने कहा, बताया, मैंने उनसे राय मशवरा किया, लीगल राय ली, उन्होंने कहा कि एक्शन साहब इनका कोई हक नहीं है और ये गैरकानूनी कब्जा है। तो माननीय आवास आयुक्त के निर्देश पे, जो हमारे हेड ऑफ डी डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिए कि इसे तत्काल आप खाली करवाएं। और माननीय इस पर कब्जा लोधी परिवार का है, हरचरण आदि सुंदर सिंह। अब सुंदर सिंह जी का अभी नाम है क्या इसमें कागजों में? हाँ सर, माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक सुंदर सिंह जी का ही परिवार है। और जो है ये जमीन की सर कीमत कितनी है? इस जमीन की कीमत करीब ये हमारी 6,500 स्क्वायर मीटर है, तो लगभग 6,000 स्क्वायर मीटर भी माने 50,000 रुपये से करीब 30 करोड़ की लागत है इसकी, 30 करोड़ की भूमि है सरकार द्वारा
आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से सरकार मतलब आवास विकास ने खाली कर दिया। कोल्ड स्टोर बना हुआ था वो इन्होंने तोड़ लिया था, इसमें प्लॉटिंग करने वाले थे ये। की जगह छोड़ दी हमने। अच्छा, ये जो जगह इनकी छूटी हुई है कोल्ड स्टोर के नाप पे, वो 1130 मीटर जगह हम नाप करके इनकी निशान लगा के इनको देंगे। अच्छा, छोड़ दिया वो हमने। ये गोदाम इन्होंने किराए पर दे रखा था। ये कोई श्री भाई जुबेर हैं, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दे दो, जब ये खाली कर लेंगे सभी हम तोड़ करके अपना कब्जा लेंगे। राम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास मेन रोड मोड, हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।